नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको नेशनल हाईवे की अभी दिखा रहे थे। हिमाचल प्रदेश में आज एकमात्र राज्यसभा की सीट के लिए चुनाव हो रहा है और इसी बीच कांग्रेस के कुछ विधायकों की कुछ विधायकों का जो यहां से एक काफिला निकला है, हरियाणा नंबर की गाड़ियां हैं, भारी सुरक्षा, उसमें सुरक्षा बल भी बैठे हुए थे और साथ में कुछ एक कांग्रेस के विधायक भी हैं, उसमें निर्दलीय विधायक भी बताए जा रहे हैं और करीब 5 से 6 विधायकों की संख्या यह बताई जा रही है। हालांकि 9 तक भी हो सकती है क्योंकि प्रशासन का जो खुफिया एजेंसियाँ हैं वो भी नेशनल हाईवे पर काफ़ी जैसे ही सूचना मिली कि कुछ विधायक कांग्रेस के हरियाणा चंडीगढ़ की ओर जा रहे हैं तो नेशनल आवाज़ अब हमारी आ रही है। पद्मदेव जी तो बताएं, क्योंकि थोड़ी दिक्कत बीच में जरूर आई थी और सोलन की नेशनल हाईवे पर अभी थोड़ी देर पहले एक वाहनों का काफिला, हरियाणा नंबर की गाड़ियां यहां से गुजरी हैं। करीब एक दर्जन के करीब गाड़ियां थी लेकिन उन गाड़ियों में अब दीपक जी बता रहे हैं कि आवाज़ आ रही है। तो आवाज़ आ रही है तो हम बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आज एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हो रहा है और इस तरह की जो संभावना है सवेरे से ही चली हुई थी कि करीब 9 विधायकों की क्रॉस वोटिंग का जो दावा किया जा रहा था कहीं ना कहीं वो सत्य भी साबित हो रहा है, क्योंकि हरियाणा नंबर की अभी गाड़ियों का काफिला चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग से शिमला की ओर से चंडीगढ़ की ओर गया है और भारी सुरक्षा बल उसमें तैनात थे। अब ये सुरक्षा बल हिमाचल पुलिस के तो कम से कम नहीं लग रहे थे, क्योंकि पहली नज़र में जिस तरह की नज़र पड़ी है तो उसमें जो सुरक्षाकर्मी थे वो बाहर के थे, हो सकता है एक CRPF के हों या फिर हरियाणा पुलिस के हों, लेकिन गाड़ियों का एक काफिला बड़ा था और उसमें कांग्रेस के कुछ एक विधायक चंडीगढ़ की ओर गए हैं और बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक उनकी हो और यहां से सोलन से कुछ देर पहले ही वो विधायक चंडीगढ़ की ओर गए हैं। तो जिस तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि आज रहा हो रहे हैं उसमें उन आशंकाओं को कहीं ना कहीं थोड़ा बल मिला भी है और यदि हम खुफिया एजेंसियों की माने और जो सूत्रों के अनुसार जो हमारे जानकारी मिली है तो उसमें बताया जा रहा है कि 8 से 9 विधायक हैं, उसमें कांग्रेस के करीब 6 विधायक बताए जा रहे हैं, लेकिन जो पहचान हुई है उसमें 2 विधायक जो काफ़ी समय से मुकर है उन्हें यहां से जातिवार जो गाड़ी यहां से गई है तो उसमें देखा गया है और साथ में भारी सुरक्षा थी। करीब एक दर्जन वाहनों का काफिला एक लाइन में कतारबद्ध तरीके में, उनमें आगे झंडियाँ भी लगी हुई, हालांकि जो जिस प्रकार का जो अभी काफिला निकला है तो इससे कहीं ना कहीं जो चिंताएं हैं कांग्रेस पार्टी की बड़ी हैं और जिस तरह के दावे किए जा रहे थे और सुबह से ही कांग्रेस क्रॉस वोट को लेकर की क्रॉस वोटिंग हुई है तो उन आशंकाओं को कहीं ना कहीं थोड़ा बल मिला है। अब देखते हैं, हो सकता है कि जो विधायक नीचे की ओर या चंडीगढ़ की ओर गए हैं हो सकता है कि अपने काम से गए हों तो ऐसा लग नहीं रहा है। वजह है कि कांग्रेस पार्टी की अभी विधायक दल की बैठक भी थी, भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक चली थी, तो इसके बीच में कांग्रेस के कुछ विधायकों का चंडीगढ़ की ओर जाना कहीं ना कहीं सवाल इस वक्त खड़े कर रहा है। तो
अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ समय पूर्व यदि हम कहें तो करीब आधा घंटा पूर्व सोलन से यह करीब एक दर्जन वाहन यहाँ से क्रॉस हुए हैं। हरियाणा नंबर की गाड़ियाँ थी और हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो खुफिया जो एजेंसियां हैं वो भी नेशनल हाईवे पर सक्रिय थी, क्योंकि उस उन्हें भी इस तरह के ऊपर से शिमला की ओर से जानकारी आई होगी कि विधायक कुछ एक विधायक चंडीगढ़ की ओर आ रहे हैं, तो खुफिया एजेंसी भी नेशनल हाईवे पर सक्रिय थी। तो सूत्रों का भी कहना है कि जो वाहन का यह काफिला अभी थोड़ी देर पहले भारी सुरक्षा के बीच में चंडीगढ़ की ओर निकला है, तो उसमें कांग्रेस के कुछ एक विधायक हैं और कुछ एक निर्दलीय विधायक भी बताए जा रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, राज्यसभा का चुनाव इस वक्त हिमाचल प्रदेश में हो चुका है और कई जगहों पर आज राज्यसभा के चुनाव देश में हो रहे हैं, तो वहां पर भी क्रॉस वोटिंग की बातें कही जा रही है, तो इसमें हिमाचल भी अछूता नहीं है। और जो जिस तरह के सूचनाएं आ रही है तो उससे कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस नेताओं की थोड़ी चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई है। हालांकि कुछ देर में चुनाव नतीजे अभी सामने आ जाएंगे और क्या रिजल्ट रहेगा, लेकिन उससे पहले जिस तरह की आशंकाएं, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, तो उन दावों को कहीं ना कहीं बल, जिस तरह से वाहन अभी चंडीगढ़ की ओर गए हैं, यहाँ से सोलन से चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग और चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग से एक साथ करीब एक दर्जन वाहनों का चंडीगढ़ की ओर एक साथ जाना लाइन में, और भारी सुरक्षा के बीच में, सुरक्षा बल भी थे लेकिन सुरक्षा में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के पुलिस तो उनके साथ थी नहीं, इतना तो स्पष्ट है, लेकिन पुलिस जरूर थी। अब ये पता नहीं कि वो हरियाणा की थी या फिर CRPF के जवान थे, लेकिन भारी सुरक्षा के बीच में गए हैं। तो एक महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज़ थी, तो हमने भी आपको चाहा कि हम आपको इस जानकारी को आपके साथ साझा करें। थोड़ी देर में राज्यसभा के नतीजे सामने आएंगे कि उसमें क्या रहा है, क्रॉस वोट हुई है या नहीं, उसको लेकर तो जब नतीजा सामने आएगा तभी कहा जा सकता है, लेकिन उससे पहले जिस तरह की अटकलें हिमाचल प्रदेश में, जिस तरह के दावे हिमाचल प्रदेश में किए जा रहे हैं कि करीब 8 से 9 वोट क्रॉस हुए हैं कांग्रेस की ओर से, तो उससे चिंताएं बढ़ना भी लाजमी है। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के यदि हम बात करें तो करीब आधा दर्जन से अधिक विधायक हरियाणा नंबर की गाड़ियों में चंडीगढ़ की ओर भारी सुरक्षा के बीच में गए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं चिंताएं कांग्रेस पार्टी की, जो हम सुबह से ही बता रहे हैं कि बड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो पहले से ही दावे कर रहे थे कि राज्यसभा में उनकी जीत सुनिश्चित होगी, तो वो जीत सुनिश्चित उसी सूरत में हो सकती है जब क्रॉस वोटिंग हो, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों की माने और खुफिया एजेंसी की माने तो करीब 8 से 9 विधायक बताए जा रहे हैं कि चंडीगढ़ की ओर हरियाणा नंबर की गाड़ियों में गए हैं। तो पंजाब केसरी TV में तो अभी के लिए तो फिलहाल बस इतना ही है, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली, क्योंकि नेशनल हाईवे से हमने देखा कि वाहनों का काफ़ी सारा एक वाहनों का काफिला यहां से क्रॉस हुआ है और भारी सुरक्षा बल भी उसमें बैठे हुए थे, तो बीच में एक दो विधायक जो कांग्रेस पार्टी के पिछले का यदि हम बात करें तो पिछले 15-20 दिनों से काफ़ी मुखर थे, तो वो भी उन वाहनों में थे और साथ में निर्दलीय विधायक भी एक दो नजर आए हैं। तो लेकिन जो जानकारों की माने तो करीब 8 से 9 विधायक चंडीगढ़ की ओर गए हैं, और ऐसा भी सूचना है कि चंडीगढ़ में या फिर हरियाणा में कहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं के साथ उनकी बैठक भी आज हो सकती है, इस तरह की सूचना है। तो पंजाब केसरी TV में अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी TV। बहुत बहुत धन्यवाद जी।